हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस। लेसन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है जल और जंगल। क्लास 7 साइंस में टोटल 18 चैप्टर हैं। हम आज चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास 7 का मैथ भी पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड मैंने क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप क्लास 8 का मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को समझेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जल के बारे में है। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। जल संरक्षण क्या होता है? जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? तो लोग जल को क्यों बचाना चाहते हैं? तो आगे पढ़िए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्मकाल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। ग्रीष्मकाल का मतलब क्या होता है? गर्मी के मौसम में। क्या यह सही नहीं कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? बहुत से जगहों पर जल की बहुत कमी हो जाती है। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सूखा का दृश्य है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सूखा का दृश्य। जिस जगह पर पानी बहुत कम हो जाता है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है। आप इस चैप्टर में आगे भौम जल स्तर को भी पढ़ेंगे। भौम जल स्तर क्या होता है? भूमि के अंदर जो जल रहता है उसको हम भौम जल स्तर कहते हैं। स्तर का मतलब होता है लेवल, ठीक है? यानी कि पृथ्वी के अंदर, इस धरती के अंदर जो पानी का लेवल रहता है उसी को हम कहते हैं भौम जल स्तर। तो जब धरती के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है तब सूखा पड़ता है। तो ये लेवल कैसे कम होता है? बहुत से जगहों पे ऐसा होता है, नल में पानी नहीं आता है, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है, और इसके लिए लोग लड़ाई झगड़े धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जल को बचाना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इस चित्र को अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये एक बाल्टी है जिसमें कि 20 लीटर पानी है। मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। इस जल को आप मान लीजिए कि ये पूरे पृथ्वी का जल है, ठीक है? और फिर इस बाल्टी से 500 ml पानी निकाल लिया जाता है एक मग में। एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है। मृदु जल का मतलब होता है मीठा जल। अब इस 500 ml में से 150 ml एक ग्लास में पानी निकाल लीजिए। यहाँ पे है, मग से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें से अगर हम 150 ml जल निकालेंगे, ये कौन सा जल है? भौम जल, यानी कि जो भूमि के अंदर जल रहता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। एंड यहाँ पे है, अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व के सभी नदियों, झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो इतना सा जल रहता है। तो ये जल हमारा पीने वाला जल होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो नदियों झीलों में जल पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, पूरे पृथ्वी पर जो जल होता है उसमें ये सारा, इतना सारा जल खारा पानी होता है, मतलब जिसको हम यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो आपको नीले रंग से लिखा हुआ दिख रहा है मृदु जल, ये पूरा मृदु जल है। मृदु जल हालांकि पीने लायक होता है, लेकिन सभी मृदु जल को हम यूज नहीं कर सकते। और
इतना सा जो जल होता है वो भौम जल है, यानी कि वैसा जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है। यहाँ से हम लोग फिर से इसको अच्छे से समझेंगे। पृथ्वी पर मान लीजिए पूरा 100% जल रहता है, ठीक है, पृथ्वी का जल 100%, और उसमें से खारा पानी कितना रहता है, 97%, यानी 97% खारा पानी होता है जो कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। 100% का 97% पानी खारा पानी होता है, यानी कि नमकीन पानी, जैसे समुद्र और महासागरों का, जिसको हम पीने के लिए या फिर अपने काम के लिए यूज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। और बाकी का जो 3% जल, यानी कि 3% जल जो बच जाता है वो है मृदु जल। मृदु जल हालांकि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी मृदु जल को हम यूज नहीं कर सकते, सभी मृदु जल हमारे पहुंच में नहीं होते हैं। 3% में से जो 0.6% जल बच जाता है वो जल होता है कौन सा, भूमिगत जल, झीलों एवं नदियों का जल जो कि हम लोग यूज करते हैं। और उसी में से 2.4% जल कहाँ पे होता है, ग्लेशियर, हिमकों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थाई बर्फ के रूप में, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। मतलब कि 3% मृदु जल है और उसमें से 2.4% कहाँ पे रहता है, ग्लेशियर, हिमकों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थाई बर्फ के रूप में पानी रहता है, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। और फिर उसमें से जो बच जाता है 0.6%, ये हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, और यही जल भूमि के अंदर भी होता है। आपने देखा होगा कि चापा नल को गलाने के लिए पाइप का यूज किया जाता है और उसको ज़मीन के अंदर गलाया जाता है, तब ज़मीन से पानी निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो टोटल पानी है 100%, उसमें से हम सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, 0.6%, मतलब इतना ही पानी सभी मनुष्य और जीव जंतुओं के यूज करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इतना ही पानी जीव जंतुओं के लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे जो 97% ये पानी बच जाता है, खारा पानी और ये मृदु जल हम देख रहे हैं, ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग पृथ्वी पर कुल पानी का कितना भाग यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये खारा पानी है, ठीक है, इसको और इसको मिला के ये पूरा 100% है, जिसमें कि 97% खारा पानी है और ये 3% क्या है, मृदु जल है। और 3% में से भी 2.4% पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसमें से हम सिर्फ 0.6% पानी ही यूज करते हैं, और वही पानी भूमि के अंदर भी होता है। 0.6% में से ही भूमि के अंदर भी पानी होता है और नदियों, तालाबों, झीलों में भी पानी होता है, और उसी पानी को हम लोग पीते भी हैं। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें से मृदु जल मात्र एक मग पानी ही होता है, शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों के अस्थाई बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0.006% है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। इस बाल्टी भरे जल को आप मान लीजिए कि ये पूरे पृथ्वी का जल है, और इसको आप मान लीजिए कि ये 3% जल है जो मृदु जल है, और उसमें से 2.4% जो जल होता है वो हिमनदों और ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों में पाया जाता है, और फिर उसका जो 0.6% जल बचता है वही हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इसमें जल चक्र को समझाया गया है। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम को सही शब्द लिखिए, प्रक्रम के सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्दों को उलट पुलट करके लिखा गया है, तो इसको हमें सही से लिखना है और इसके बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट नंबर का हो जाएगा भौम जल, क्या लिखा है, जम भौल, तो इसका हो जाएगा भौम जल, और इसका क्या है,
पस्वा यानी कि इसका हो जाएगा वाष्प, इसका हो जाएगा संघनन, यहाँ दलबा है इसका हो जाएगा बादल, और इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, और इसका हो जाएगा वर्षा। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है भौमजल। पृथ्वी के सतह के नीचे जल की उपस्थिति को ही भौमजल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के सतह के नीचे जो जल पाया जाता है उसी को हम भौम जल कहते हैं। दूसरा है वाष्प। वाष्प गैस और द्रव अवस्था के बीच का रूप है जिसमें पानी और गैस दोनों का मिश्रण होता है। वाष्प क्या है? गैस और द्रव अवस्था के बीच का रूप है जिसमें कि पानी और गैस दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है, यानी कि दोनों चीज़ मिला हुआ होता है, पानी भी और गैस भी। अब तीसरा है संघनन। जब पानी का वाष्प वापस पानी में बदल जाता है इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करेंगे और उसको ढक देंगे, किसी बर्तन में आप पानी को गर्म कर रहे हैं और उसको ऊपर से किसी ढक्कन से आप ढक देंगे, तो जब पानी गर्म होने लगता है उससे भाप निकलने लगता है, तो उसका भाप जिस ढक्कन से आपने ढका है उस पर सारा भाप जाता है। जब वाष्प ठंडा हो जाता है तो वो फिर से पानी में बदल जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। नेक्स्ट है बादल। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के संघनन से बने जलकणों की दृश्यमान राशि बादल कहलाती है। वायुमंडल में जो जल वाष्प मौजूद होता है उसी के संघनन के कारण बादल बनता है। वाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे में जो हम लोग पानी देते हैं या फिर बारिश होती है तो पौधों को जितनी ज़रूरत पानी की होती है पौधे उतना ही पानी अपने अंदर लेते हैं, और जो ज़्यादा पानी बच जाता है जिसकी ज़रूरत पौधों को नहीं होती है वो पानी पौधों से बाहर निकलता है, तो उसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठती है तो तापमान में कमी होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। कुछ समय बाद जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वायुमंडल उसे संभाल नहीं पाता है और जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबका हमने डेफिनेशन देखा, सबको समझा। अब यहाँ पर जल चक्र को समझते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है? भौम जल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है भौम जल, यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, लेकिन हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, सबको सही से लिख के और उसका डेफिनेशन भी देखा। तो ये पहला है भौम जल। भौम जल यानी कि भूमि के अंदर का जल। और दूसरा है वाष्प, यहाँ पर क्या है? वाष्प। तीसरा है संघनन, ये संघनन है। और चौथा है बादल। पाँचवा है वाष्पोत्सर्जन, ये बादल और ये वाष्पोत्सर्जन है। और छठा है वर्षा। तो जल चक्र कैसे होता है? ये भूमि के अंदर का जल है, ठीक है। और ये दूसरा है वाष्प। तो भूमि के अंदर का जल और नदियों तालाबों का जल जो होता है वो वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर उसका संघनन होता है। संघनन मैंने आपको समझाया, जैसे कि ये पानी वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है तो फिर जब वो ठंडा होता है तो फिर वो पानी के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है और फिर बादल बनता है। उसी से फिर बादल बनता है, उन्हीं जलकणों से बादल बनता है। और वाष्पोत्सर्जन भी मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने अंदर उतना ही पानी लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, और अनावश्यक पानी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी होता है वो उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो उसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। और लास्ट में वर्षा, तो फिर वही सब पानी लास्ट में वर्षा बन के बरसती है। जलवाष्प युक्त वायु जो होता है यानी कि जलवाष्प युक्त हवा जो होता है वो ऊपर जाता है और तापमान कम होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। कुछ टाइम के बाद जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल उसको संभाल नहीं पाता है, तो वही पानी वर्षा के रूप में बरसती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जल चक्र चलते रहता है। ये भौम जल है और फिर वही जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और फिर उसका संघनन होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, पेड़ पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है और फिर वर्षा होती है। तो यही चक्र चलते रहता है, इसी को कहते हैं जल चक्र।
नेक्स्ट है हमारा भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर का जल, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भौम जल स्तर के बारे में। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तथा गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से एक मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो भौम जल स्तर क्या है? आपने देखा या सुना होगा कहीं पे बोरिंग किया जाता है, कहीं पे पाइप गलाया जाता है, कई जगहों पर पानी कम दूरी तक जाने पे ही पानी ऊपर आने लगता है, कई जगहों पर 50 फीट या फिर 100 फीट पानी पाइप गलाने पे पानी आने लगता है, तो कई जगहों पर 150 फीट या फिर 200 फीट पाइप गलाने पर पानी आता है। तो ये सब होता है भौम जल स्तर के कारण। पृथ्वी के अंदर जो जल होता है कई जगहों पर उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है और कई जगहों पर नीचे होता है। तो जिन जगहों पर भूमि के अंदर पानी का लेवल कम होता है, नीचे होता है, उन जगहों पर ज़्यादा पाइप गलाना पड़ता है, ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ती है, तब जाके पानी आता है। और जिन जगहों पर पानी का लेवल ऊपर होता है यानी कि पानी का स्तर जो कि यहाँ पे लिखा गया भौम जल स्तर वो ज़्यादा होता है, लेवल ऊपर रहेगा तो पानी जल्दी ऊपर आएगा, यानी कि बोरिंग करने पर पानी जल्दी ऊपर आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौम जल, जल भर तथा भौम जल स्तर। वर्षा जल नदियों तालाबों झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा यानी कि मिट्टी अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा यानी कि मिट्टी और कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल इकट्ठा हो जाता है और इसी भंडार को हम कहते हैं जल भर। और भौम जल तो हमने पहले भी पढ़ा है, भौम जल यानी कि भूमि के अंदर का जल, और जल भर हमने यहाँ पर पढ़ा कि मिट्टी और कठोर चट्टानों के बीच जो जल इकट्ठा हो जाता है उसी को हम कहते हैं जल भर। भौम जल स्तर भी हमने पढ़ा यानी कि पृथ्वी के नीचे जो जल होता है उसका जो लेवल होता है उसी को हम कहते हैं भौम जल स्तर। स्तर का मतलब क्या होता है? लेवल। यहाँ पे समझाया गया है भौम जल और जल भर को। ये भौम जल है यानी कि भूमि के अंदर का जल, और ये है जल भर जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, मृदा यानी मिट्टी और कठोर चट्टानों के बीच पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम जल भर कहते हैं। नेक्स्ट है भौम जल स्तर का गिरना। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। भूमि के अंदर जल कैसे जमा होता है, उसके स्रोत क्या हैं? उसका स्रोत है वर्षा। अगर वर्षा नहीं होगी तो भूमि के अंदर जल नहीं बचेगा। अगर वर्षा ही होना बंद हो जाए तो भूमि के अंदर जल ही नहीं बचेगा। और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ का भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक बाल्टी में पानी है, उसको हम सिर्फ यूज करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम पानी भरेंगे नहीं तो फिर वो पानी ख़त्म हो जाएगा। हम सिर्फ उस पानी को यूज करेंगे लेकिन उसमें पानी नहीं भरेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, भूमि के अंदर जल होता है लेकिन उसके स्रोत है वर्षा। वर्षा ही भूमि के अंदर जल को भरती है, ठीक है? वर्षा ही भूमि के अंदर जल को भरती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी रिस कर जो अंदर जाता है वो नहीं जाएगा। वर्षा का जल ही जब पृथ्वी पर पड़ता है तो वही जल रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है और वो इकट्ठा होता है।
जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है, यानी कि भौम जल स्तर उसका लेवल नीचे चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भौम जल स्तर के गिरने के क्या कारण है, कम वर्षा। ठीक है, कम वर्षा होगा तो भौम जल स्तर नीचे गिरेगा। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसके अलावा भी कारण है जनसंख्या वृद्धि। अब ज़्यादा लोग होंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पानी का यूज भी ज़्यादा होगा। औद्योगिकरण और कृषि वनारोपण इन सब में भी पानी का यूज होता है, तो सिर्फ पानी का यूज ही होते रहेगा और वर्षा ही नहीं होगी तो पानी के जल स्तर में, भौम जल स्तर में कमी आएगी ही। एक कारण और है भौम जल स्तर के नीचे गिरने का, यहाँ पे देखिए। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर की संरचना में जब बदलाव होता है तब भी भौम जल स्तर नीचे गिरता है। तो इस तरह से हमने दो तीन कारण पढ़े। मेन कारण है कम वर्षा, ठीक है, अगर वर्षा कम होगी तो भौम जल स्तर नीचे गिरेगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि वनारोपण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण भी भौम जल स्तर नीचे गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है बिहार में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को रंगीन कीजिए। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में, जहानाबाद, मधेपुरा वगैरह में वर्षा ज़्यादा होती है। और यहाँ पे है जल प्रबंधन। वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावरी, चहबजों, डबडे, आहरे बनवाई जाती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को यहाँ पे दर्शाया गया। ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके जो सिंचाई की जाती है उसको हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई, जिससे कि पानी की कम खपत होती है। जल प्रबंधन का मतलब क्या हो गया, जल का बचाव करना। तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी जल का बचाव किया जा सकता है क्योंकि इससे पानी कम खपत होती है। किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्यता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है, कम होगी। आपने देखा ही होगा कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधे के ना रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? यहाँ पर बताया गया है कि जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, मतलब कि जल का बचाव कैसे किया जाए। यहाँ पे बताया गया, पहला तो है ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है। बूंद सिंचाई के द्वारा भी जल की कम खपत होती है, किसान इसका यूज कर सकते हैं और किसान इसका यूज खेतों में सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। और नलकूपों के जल को पाइपों के द्वारा खेतों में ले जाकर भी स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई किया जा सकता है, जिससे कि जल की खपत कम होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी यानी कि गायब हो जाएगी। पौधों के नहीं रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है, अगर पृथ्वी पर पानी की इतनी कमी हो जाएगी तो ऐसा संभव है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी, क्योंकि जल चक्र में पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी जीव जंतुओं के लिए भी पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर है जंगल के बारे में, आगे हम जंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे कि बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाली वन्य संपदा
और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया है। सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया है, मतलब कि उस जंगल के किसी भी जीव जंतु को कोई मार नहीं सकता है या फिर पेड़ पौधे वहाँ के नहीं काट सकता है। उदाहरण के लिए दिया गया पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर एक राष्ट्रीय उद्यान है तो वो किसके लिए, बाघ यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए जो एक आरक्षित वन है। वैशाली जिले के बड़ेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीम बंद अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। ठीक है, बिहार के प्रमुख जंगल कौन कौन से हैं? वैशाली जिले का बड़ेला अभयारण्य, मुंगेर जिले का भीमबंद अभयारण्य और गया जिले का गौतम बुद्ध अभयारण्य, रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य, ये सब बिहार का प्रमुख जंगल है। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक सारणी है, यहाँ पे औषधीय पेड़ पौधे इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ के बारे में लिखना है। औषधीय पौधे यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिससे कि हम जिसको दवाई के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, सदाबहार। सदाबहार का आपने देखा होगा, तुलसी पुदीना के बारे में तो सब जानते होंगे। सदाबहार का पौधा भी आपने देखा होगा जिसमें कि बैंगनी कलर के फूल खिलते हैं। ठीक है, तो सदाबहार का पौधा भी औषधीय पौधा ही है। इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ देवदार, बरगद, बबूल, तो ये सब क्या है? इमारती लकड़ी देने वाले पेड़। अनुपयोग वाले पेड़, इसमें आप किसी भी पेड़ का नाम लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ेंगे एंड इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।